अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैफ क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल पार्टी के साथ ऑनलाइन अर्निंग्स में आप सब लोगों को खुश आमदेद। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिलो दें। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में जिस बारे में मैं आप सबको बताने वाली हूँ उस सबको आप जान चुके होंगे नीचे टाइटल को पढ़कर। जी हाँ, आज मैं आप सब लोगों को वर्ड यूज़ करना सिखाऊंगी। गाइस, वर्ड एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप लोग बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। आप अपने नंबर बना सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। आप इसके थ्रू फ्री लॉन्सिंग कर सकते हैं। जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स, आपके एग्जाम्स, आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी उन सबको यूज़ करने के लिए आप लोग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वर्ड की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अक्सर लोग अनजान होते हैं। आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सिखाऊंगी। सबसे पहले वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम में वर्ड मौजूद है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ सर्च बटन में जाकर वर्ड टाइप करना होगा। क्योंकि मेरा वर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये वर्ड ऑप्शन पॉपअप हो गया और इसको क्लिक करके आप वर्ड ओपन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वर्ड ओपन नहीं होता आपको क्या करना होगा कि इसके लिए इंस्टॉलेशन ज़रूरी होगी। अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल में जाना होगा। यहाँ पर आप टाइप करेंगे वर्ड डाउनलोड। इस ऑप्शन से गाइस आप इजीली इसको अपनी विंडो के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वर्ड को इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉयड यूज़र प्ले स्टोर से तो कर लेंगे पर आईफोन यूज़र्स के लिए उन्हें आईक्लाउड से इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। सेकंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूंगी, अगर आप वर्ड को डाउनलोड कर रहे हैं तो इसकी जगह आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी फंक्शंस खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएंगे जो कि आपको आगे ऑनलाइन लर्निंग में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो हेयर इज दी ऑप्शन, आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वर्ड डाउनलोड होगा आप यहां पर सर्च में जाके वर्ड को टाइप करेंगे और आपके पास एप्लीकेशन पॉपअप हो जाएगी। उसको ओपन करते ही आपके पास एक टास्क बार में वर्ड का आइकन शो होगा। गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्टली वर्ड को ओपन कर ले उसके लिए आपको इस आइकन पर राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर पिन फ्रॉम टास्क बार, यहाँ पर अगर आपका पिन नहीं है तो आ जाएगा पिन फॉर टास्क बार। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिन किया हुआ है तो मेरा अनपिन आ रहा है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। मैंने अनपिन कर दिया इसे। नाउ व्हेन आई राइट क्लिक ऑन द आइकॉन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पिंग टू टास्क बार। आई जस्ट क्लिक ऑन इट एंड व्हेन आई क्लोज द ऐप द आइकॉन स्टिल इज ऑन द टास्क बार। इस तरह आपको बार बार सर्च कर उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड को ओपन करते ही आपके पास एक स्क्रीन शो होगी जिसके ऊपर होम, न्यू, ओपन ये तीन चीज़ें होंगी। अब गाइस, इनमें से आप किस पर जा सकते हैं या आपको किस पर जाना चाहिए, तो सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपको अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना होगा। यहाँ से अगर वापस आपको आपकी पहली स्क्रीन पर जाना है उसके लिए आपको फाइल बटन क्लिक करना होगा और आप वापस अपने पहली स्क्रीन पर चले जाएंगे। अगर गाइस आप लोग सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहते, आप वर्ड का टूर करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर आप एक सिंगल स्पीच लिखना चाह रहे हैं, और गाइस आपको पता होगा कि वर्ड के थ्रू आप सीवी या रिज्यूम्स भी बना सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को बनाने के लिए वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं आप सबको वर्ड की बेसिक्स सिखाऊंगी। यहाँ से आप इसका टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, स्नैपशॉट कैलेंडर, और अगर आपको इनके अलावा और टेम्पलेट्स चाहिए आपको मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करना होगा। इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी न्यू ऑप्शंस आ जाएंगी जो आपको आगे जाकर बहुत फायदा देंगी। अगर आप किसी रेस्टोरेंट को चला रहे हैं और आपको उसके लिए कोई अपना मेन्यू टेम्पलेट लेना है, उसके लिए आप रेस्टोरेंट ब्रोशर यूज कर सकते हैं। आप अपना एजुकेशनल ब्रोशर यूज कर सकते हैं फॉर योर इवेंट्स, योर टेक्निकल इवेंट्स और योर को करिकुलर एक्टिविटीज।
आप अपनी डिफरेंट चीज़ों के लिए, फंक्शंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. एज यू कैन सी दैट देयर इज अ टेम्पलेट ऑफ पार्टी इनविटेशन, यू कैन इनवाइट ऑन योर प्राइड पार्टी थ्रू अ प्रोफेशनल वे बाय मेकिंग अ कार्ड, अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑन द वर्ड. नाउ जस्ट गेट टर्न बैक टू द न्यू डॉक्यूमेंट. गाइज, अगर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर एक ब्लैक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बहुत से टास्क बार पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. अगर मैं बात करूँ सबसे ऊपर वाले टास्क बार की, तो गाइज यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू ऑफ यू एंड हेल्प एंड ऑल दैट स्टफ. तो बेसिकली इस एक डॉक्यूमेंट, एक असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी. होम ऑप्शन में जाते ही सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेस्ट. इस पॉइंट को यूज़ कैसे करेंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गूगल से कोई भी फॉर्मेट या कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो आप सिंपली उसको कॉपी करेंगे. लेट्स सी, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस टेक्स्ट. कंट्रोल सी फॉर द कॉपी और द राइट क्लिक फॉर द कॉपी. इसको कॉपी करने के बाद आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा. यहाँ पर आपके पास तीन सब फंक्शंस शो होंगे, जिन फंक्शंस का काम क्या है. लेट्स सी, अगर मैं फर्स्ट पे एरो करती हूँ तो यहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग आ रहा है. इट्स मीन कि जहाँ से आपने इसको कॉपी किया है, आप सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. सेकेंड जो ऑप्शन होगा उसमें है मर्ज फॉर्मेटिंग. मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब ये होगा कि आप इसको वर्ड की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू मर्ज कर देंगे. जिस तरह वर्ड की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग मेरे पास कैलिब्री बॉडी एंड 111 है. आई विल एक्सप्लेन द डिफॉल्ट इन लेटर इन दिस वीडियो. एंड द थर्ड ऑप्शन इज कीप टेक्स्ट ओनली. इट्स मीन कि जो पीछे वाले ऑप्शन में बोल्ड और नॉन बोल्ड टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ था, आप उसको सिंपली खत्म करके सिर्फ और सिर्फ इसको एक पैराग्राफ टेक्स्ट में लिख देंगे. यहाँ पर मैं सेकेंड ऑप्शन को कर रही हूँ क्योंकि यूजली हम लोगों को वर्ड में एक ही फॉर्मेट के साथ चलना होता है. गाइज, इफ आई कम बैक टू द फाइल ऑप्शन, देन यू कैन सी देयर इज एन होम ऑप्शन विच हैव I have explained earlier. Then there is also the new, basically the new and the home is the same option. When I click on the new, you can see there is the new templates. Okay. And if you want to open your already saved document or any other document in the Word app, then you can just click on this open option. And you can browse from this PC. यहाँ पर आपको आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप, या अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मौजूद जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स होंगी वो शो हो जाएंगी. इन केस गाइस, अगर मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ही लिहाज से दिखाऊं, लेट्स सी डाउनलोड्स. यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ पीडीएफ वर्ड फाइल यूज शो हो रहे हैं और मुझे पिक्चर नहीं शो हो रही, और आप अपनी फाइल में से सभी डॉक्यूमेंट्स देखना चाह रहे हैं, तो गाइस आपको इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर ऑल फाइल्स को क्लिक करना होगा. यहाँ पर गाइस आपको सभी फाइल्स शो होना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद इन्फो में आपको इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वर्ड की साइज, इसका पेजेस, वर्ड की कैपेसिटी, इसके टोटल कमांड्स, कमेंट्स, टाइटल्स, टैग्स, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको इन्फो में जाना होगा. अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट को सेव करना है, अगर वो पहले सेव नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो सेव एज पर आ जाएगा. आप अगर इसको दिस पीसी में शो करना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले दिस पीसी को क्लिक करना होगा, और उसके बाद जिस भी डॉक्यूमेंट या जिस भी फोल्डर में आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे. आप उस अपने अकॉर्डिंग उसका नेम सेट कर देंगे और उसको आप सेव कर लेंगे. सो डैट्स ऑल फॉर द सेव ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप प्रिंट की ऑप्शन पे आएंगे, और सेकेंड ऑप्शन इज जस्ट टू क्लिक द कंट्रोल एंड पी, यू कैन पॉप अप विद दिस स्क्रीन. If you want to share your document, you can share it through the Save to Cloud, through the email, present online. आप इसको online present कर सकते हैं just by doing a Bluetooth connection or by inserting a port. अगर आप अपनी file को Word से directly PDF में convert करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको export option पे जाना होगा. export option में next आपको एक create PDF XPS आएगा, जिसको click करते ही आपके पास PDF की option आ जाएगी. You can see there is save a type as PDF. आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली पीडीएफ में शो हो जाएगा. आप आफ्टर द एक्सपोर्ट यू कैन क्लोज योर विंडो, बट ऑब्वियसली आई विल नॉट गोइंग फॉर क्लोजिंग इट बिकॉज आई हैव टू शो समथिंग टू यू गाइस. एंड देन यू कैन मैनेज योर अकाउंट थ्रू दिस, दैट आई हैव जस्ट
open it through this email, so you can use your own different emails, your own different accounts. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है तो आप इसमें जाकर अपने उस अकाउंट को नोट भी करके बंद भी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन. होम ऑप्शन में सबसे पहले पेस्ट का बटन था जिसको प्रेस करके मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से उसको पेस्ट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड ऑप्शन ऑफ सिंपली पेस्टिंग विच इज एक्चुअली द प्रिंटिंग ऑफ द कॉपी डाटा थ्रू द सेम फॉर्मेट विच वी हैव कॉपीड. लाइक इफ आई विल कॉपी दिस एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस विद द कंट्रोल वी, देन इट विल बी पेस्ट थ्रू दिस फर्स्ट ऑप्शन कीप द फॉर्मेटिंग सेम. सो गाइज नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेट प्रिंटर है. आई विल शो यू गाइज लेटरली अबाउट दिस फॉर्मेट प्रिंटर. थोड़ा सा लिख लूँ यहाँ पर, देन इट विल गो ना बी क्लियर फॉर यू गाइज. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इज टू सेट द फॉन्ट साइज ऑफ दिस. यूजली वेन वी यूज इन एंड फॉर एन असाइनमेंट एंड फॉर इफ देर इज नथिंग और यू कैन से दैट इफ देर इज नो मैंशनड फॉन्ट एंड नो मैंशनड फॉन्ट साइज इज देयर, देन यू कैन यूज द सिंपली डिफॉल्ट साइज विच इज कैलिफ्री बॉडी एंड द 11. बट for the assignments and for the reporting you are bound to use the other formats. Let's see the Times New Roman. This is the most common size which we have used in the Word and the default. So what you have to do, you have to just copy and from here you can set the font style. जैसे अब मुझे Times New Roman करना है तो मैं Times New Roman कर दूंगी और हमारा मेरा text बिल्कुल चेंज हो जाएगा. गाइस यू कैन सी जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूं तो नीचे आपको टेक्स्ट भी चेंज होता हुआ नजर आएगा. मगर इस डॉक्यूमेंट के लिए मैं टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रही हूं. अब इसका फॉन्ट जो यूजुअली हम लोग स्टैंडर्ड फॉन्ट रखते हैं वो 12 होगा और 12 फॉन्ट यूज होता है हमारी इनर बॉडी के लिए. लाइक फॉर दिस फॉर द हेडिंग वी कैन यूज 14 for the standard font size. Okay guys, आपको आपके इस टेक्स्ट को आई की फॉर्म में लिखना है या यू कैन से कि आपको इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है तो आपको सेव इसको सिलेक्ट करना होगा. सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा जिसे इटैली कहा जाता है. इसको इटैली करने के लिए यू कैन सी योर टेक्स्ट इज अ टिल्ट, अ लिटिल बिट टिल्ट देन द बिफोर. क्योंकि मुझे टिल्ट नहीं करना तो आई एम जस्ट अगेन सेलेक्टिंग इट एंड डी सेलेक्ट द इटैलिक ऑप्शन. अगर आपको आपके इस हेडिंग को बोल्ड करना है तो आप बी को ऑप्शन को क्लिक करेंगे. अब यहाँ पर अगर ऑलरेडी आपका वो टेक्स्ट बोल्ड है आप बोल्ड को क्लिक करेंगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा. इसको मैं दोबारा से बोल्ड कर देती हूँ और अगर अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना है तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर दूंगी. गाइस अब अंडरलाइन की भी कुछ ऑप्शन हैं. यू कैन यूज द लाइन बाय योर ओन चॉइस. See, there are the two lines, there are a single bold line and the dotted line. You can basically differentiate your document with by using these lines, that if there is a main heading you can use the double line, and after the main heading if there is some subheading you can use the single. You can use the only one single bold line. See guys, you can see that I have only select these. I have only select these. And when I change the format, or you can say when I change the document, then it will be only done on the selected data. So you have to first select the right data and then apply your थैंक्स. ओके आई हैव जस्ट गो बैक इट. यहाँ पर आपको इसको बैक करने के लिए क्या करना होगा, सी देर आर टू ऑप्शन, अनडू एंड द रीडू. रीडू इज बेसिकली टू अगेन गेटिंग द डेड डाटा, और यू कैन से दैट द डिलीटेड डाटा डेट यू हैव जस्ट रिमूव फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट बट यू सडनली नाउ डेट दिस इज इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू डू इट, देन यू जस्ट गो ऑन द रीडू एंड गेट योर डाटा बैक. और अगर आपको आपका डाटा नहीं चाहिए तो आप उसको अनडू कर सकते हो कि आपके पास आप अगर उसको डिलीट नहीं करना चाह रहे कहीं आपकी कोई और गलती ना हो जाए या डाटा आपका मिस ना हो जाए तो आप सिंपली उसको अनडू कर सकते हैं.
अब अगर देखा जाए तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के साथ ही आपको वर्ड इस तरह नजर आ रहा है, x2 x2। इनका यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं? तो गाइज, जब अक्सर हम लोग कुछ मैथमेटिकल यूज़ कर रहे हैं या हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये शो करना है कि ये लाइन हम लोगों के काम की नहीं है, जस्ट यू कैन से आई विल शो यू थ्रू एन एग्जाम्पल। मैं अगर इसमें से कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करके स्ट्राइक को ओपन करूंगी तो ये इस तरह आ जाएगा। इट्स मीन के लाइन तो थी मगर इसमें से ये टेक्स्ट कैंसिल हो गया। सो दिस इज जस्ट अ जेस्टर टू शो समथिंग विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। अगर आप किसी को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप तब इसको स्ट्राइक यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप लोगों को कुछ भी वैल्यू फ्रंट हेडर पे चाहिए हो या फुटर पे चाहिए हो, जस्ट यू कैन सी के हम लोगों के पास, अगर मैं केमिस्ट्री की फॉर्म में बोलूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CO2। अगर मैं CO2 लिखूँ तो सिंपली हमारे पास इस तरह लिखा आता है, मगर इसको प्रोफेशनली एंड परफेक्टली अगर लिखना है तो इस 2 को लिखने के लिए आपको सबस्क्रिप्ट को ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। सी, नाउ यू कैन सी द कार्बन डाइऑक्साइड हियर। अगर आपको इसी 2 को ऊपर लिखना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करना होगा और 2 लिख के आप उसकी पावर लिख सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक x x2 x3। अगर हम लोग मैथमेटिक में करते हैं तो हम लोग करते हैं x x x एंड वी जस्ट वॉन्ट टू राइट डाउन दी पावर, तो उस पावर को हम लोग 2 या फिर 3 या 4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो गाइज, अब आपके इस पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करने के लिए, इसका फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए 2 ऑप्शंस होंगे। आप अपने कंसर्न डाटा को सिलेक्ट कर लें, आप यहाँ से इसका फॉन्ट मैन्युअली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप 23 चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं, अगर आप इसका फॉन्ट साइज 12 चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंक्रीज द फॉन्ट साइज का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करके आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकेंड उसके साथ ही डिक्रीज फॉन्ट साइज है उसको यूज करके आप इसके फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं। ये तो था इंक्रीज या डिक्रीज करने का तरीका। अगर आप लोग अपने इस फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, आप अपने इस पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर अगर मैं वन बाय वन इस फॉन्ट पर क्लिक करूँगी तो यू कैन सी के जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो चेंज होगा। यूजली इस तरह के टेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं किसी इनविटेशन के लिए या फिर किसी हम लोग प्रोफेशनल चीज़ के लिए या फिर किसी रेस्टोरेंट के ब्रोशर के लिए। और अगर बात की जाए टेक्निकल रिपोर्टिंग या फिर असाइनमेंट्स की, तो उसके लिए इस तरह के फॉन्ट्स को ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम लोग इसमें से किसी एक वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये ऑप्शन जिसे हाईलाइट कहा जाता है आप इसको ओपन करके किसी भी कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज़ योर चॉइस। अगर आपने कोई एक वर्ड हाईलाइट कर लिया है और आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप उसी सेम वर्ड को कॉपी करेंगे और सेम हाईलाइट ऑप्शन पे जाके नो कलर को क्लिक कर देंगे। अब अगर आपने अपने फॉन्ट या फिर आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है जो कि अभी आपको ब्लैक शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे कलर चेंज के ऑप्शन पे जाएंगे और अपने टेक्स्ट को के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इन कलर्स में से चूज नहीं करना तो मोर कलर्स पर जाकर आप कोई भी न्यू कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सी गाइज, मैं इसको दोबारा से डिफॉल्ट ब्लैक पे कर दूंगी। ओके, अब अगर बात की जाए इन बुलेट्स के रिलेटेड या पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आने वाली सब हेडिंग्स के रिलेटेड, तो गाइज लेट मी जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट एंड पेस्टिंग इट। थोड़ा एक पैराग्राफ की शेप में इसको कर लेंगे हम। इससे क्या होगा कि मैं इजीली आपको बता सकूंगी। तो गाइस, पैराग्राफ में अगर हम लोग इसकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो यूजुअली टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स जिनका आप काम करना चाह रहे हैं उनके लिए रिक्वायर होता है कि एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट हो, तो उसके करने के लिए आपको इसकी लाइंस को ठीक करना पड़ेगा। जस्ट यू कैन सी दैट दिस ऑप्शन इज फॉर द अलाइनमेंट एट द लेफ्ट साइड, दिस इज एट द सेंटर। अगर आप सेंटर में करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ यू शो होगा। यूजुअली हम लोग अपनी जितनी भी बोल्ड हेडिंग्स या फिर हमारी एक मेजर हेडिंग होगी उसको हम लोग दरमियान में करते हैं, और अगर लेफ्ट में करना है तो आप इसको लेफ्ट में कर सकते हैं, मगर द मोस्टली दैट वी हैव यूज्ड इन आवर असाइनमेंट्स एंड इन द टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग इज द बैलेंस फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आपका पैराग्राफ इक्वली डिस्टेंस पर होगा। लेट मी जस्ट शो द सेंटर फॉर दिस बोल्ड हेडिंग। अगर मैं इसको सेंटर में करूंगी तो ये कुछ यूज होगा। ये तो थी इसकी अलाइनमेंट। अगर हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को बुलेट्स की फॉर्म में, लाइक अगर आप कहते हैं कि आपके पास ये ऑफर है जिसमें से आपके पास एक ऑप्शन है ए, दूसरा बी एंड सी
एंटी सो ऑन. तो आपको इनके इस तरह यू कैन सी दिस इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली. अगर आपने इसको प्रोफेशनली करना है तो आपको इनको बुलेट्स की फॉर्म में सेट करना होगा. बुलेट्स बुलेट्स बेसिकली ये होते हैं कि इस हेडिंग के फर्दर दिए गए ये ऑप्शंस हैं. जस्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इनके ऑप्शंस को बुलेट कर देंगे. अब गाइस इसमें भी आपकी चॉइस है, आप इसको किसी तरह से भी शो कर सकते हैं, आप इसको किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं. सेकंड, अगर आपको बुलेट्स के अलावा इसको किसी नंबरिंग से शो करना है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये दो ऑप्शन को मैं नंबरिंग करना चाह रही हूं कि ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड एंड द थर्ड, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगी, यहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करूंगी. नंबर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसको ए बी सी 1 2 3, या फिर इसको आप न्यूरोमन की लैंग्वेज में कर सकते हैं, मगर मैं इसको सिंपली 1 करके चेक करूंगी. गाइस यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये हमारे पास हेडिंग है, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, और अब ये ए बी सी डी इसकी सब हेडिंग्स हैं. मैं पहले इसको इसको खत्म करूंगी. इसकी सब हेडिंग्स लिखने के लिए आप जब इसको एंटर करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, मगर हमें यहां पर सेकंड ऑप्शन नहीं, हमें फर्स्ट की सब हेडिंग्स को ही एंटर करना है. तो आप बैक स्पेस करेंगे इसको, आप फिर दोबारा जो भी वर्ड लिखना चाहें आप उसको लिखने से पहले बुलेट्स को ओपन कर देंगे तो वो उसकी सब हेडिंग्स में आ जाएगा. सेम अगर हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग इसको सेकंड ऑप्शन बनाएं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सेकंड और थर्ड आ जाएगा. अगर आप गाइस चाहते हैं कि आप यहां से नंबरिंग को दोबारा से सेम स्टार्ट करें, जिस तरह फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड की जगह आप इसको दोबारा से फर्स्ट ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करके रीस्टार्ट नंबरिंग पर क्लिक कर सकते हैं. पर चूंकि मुझे इस तरह नहीं चाहिए तो मैं इसको अनडू कर दूंगी. सो दैट्स ऑल फॉर दी फॉर्मेटिंग फॉर द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ. अगर मैं इसको बुलेट्स की फॉर्म में नहीं रखना चाहती, मैं इस पर फिर क्लिक करूंगी तो ये कुछ यू शो होगा. अब गाइस अगर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब करनी होगी आपको वो है नो स्पेस हेडिंग एंड ऑल द सिलेक्टेड फॉर्मेट दैट इज इन द स्टाइल. अब इस स्टाइल के पीछे एक कहानी है जो कि मैं आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह जनरेट किया जा सकता है. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर द नॉर्मल एंड द नो स्पेस. अगर देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल करते हो तो उसके अंदर स्पेसिंग जो कि ऑलरेडी मैंने डिफाइन की हुई थी वो आ जाएगी. अगर हम नो स्पेस करते हैं तो दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं शो हो रही, जो कि एक कंजेस्टेड पैराग्राफ के लिए है. ये सभी स्टाइल्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है. उसके अलावा गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजे का इसका फीचर है फाइंड. अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट में से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड के रिलेटेड कुछ ढूंढना है और आपको आप उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते, तो आप जस्ट एक फाइंड के बटन पे क्लिक करेंगे. आप यहाँ पर जस्ट, अगर मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ढूंढना चाह रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से कोई वर्ड ढूंढना चाह रही हूँ, तो मैं वो लिख दूंगी और वो सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा. आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में किस किस जगह पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐड है. और सेकंड इसकी एक अच्छी चीज जो है वो ये होगी कि रिप्लेस को ऑप्शन को ओपन करके अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी जगह आप माइक्रोसॉफ्ट को कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं, मतलब आप एक वर्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ, तो आप लोग फाइंड व्हाट में करके जो वर्ड आपको रिप्लेस करना है उसको एंटर करेंगे और रिप्लेस विद जो आपको न्यू वर्ड एंटर करना है उसको लिखेंगे. और इसमें अगर आप रिप्लेस करते हैं तो सिर्फ एक रिप्लेस होगा, अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे इट्स मीन के इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट होगा वो इस आपके न्यू वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा. मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस ऑल करके शो करूंगी. ओके, यू कैन सी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट थे वर्ड था यहाँ पर वो सभी के सभी चेंज हो चुके हैं. सो गाइस ये तो था होम ऑप्शन. अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टास्क बार में इंसर्ट क्या काम करता है. तो गाइस इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके पास सब टास्क बार शो हो जाएंगे. यहां पर आपको क्या करना होगा, अगर मैं इसको स्टार्ट से करती हूँ तो कवर पेज ऑप्शन एक शो हो रहा होगा, जिसमें कि आपके पास बहुत से कवर पेजेस के टेम्पलेट्स शो होंगे. इन टेम्पलेट्स को आप लोग अपने सीवी या फिर आपको आप अपने इस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज या फ्रंट पेज को एक अच्छा व्यू देने के लिए या एक उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक मैं अगर इस स्लाइस वाले पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर मुझे अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करना होगा.
इसका सबटाइटल करना शुरू करना होगा. लेट्स सी, मैं इसको बेसिक्स कर देती हूँ. द कोर्स टाइटल वुड बी द वर्ड. यू कैन सी गाइस कि आपके पास एक बहुत ही नाइसली प्रेजेंटेबल कवर पेज शो हो चुका है. अगर आप इसको देखते हैं कि आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप किस तरह से इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं. आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने पेज पर बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं, आप किस तरह से इसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. मगर फॉर नाउ यू कैन सी दैट दिस कवर पेज इज लुकिंग लाइक दिस. आप अगर कवर पेज की ऑप्शन पर जाते हो, अगर कोई और कवर पेज आपने कोई बुक एक एंटर करनी है, या यू कैन से कि आपके पास कोई फाइवर पर काम आया है जिसमें आपने कॉन्टेंट राइटिंग लिखनी है एंड द कस्टमर इज जस्ट रिक्वायरिंग अ गुड फ्रंट पेज, तो आप उसके लिए इनको यूज कर सकते हैं. यहाँ पर आप कोई भी कंसर्न पिक्चर ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आपकी कोई हॉरर के रिलेटेड है, अगर आपकी कोई मेट कॉमेडी के रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर यूज कर सकते हैं. जस्ट लेट मी शो यू कि अगर मैं यहाँ पर आपको सेल्फ क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर से कुछ सिखा रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाती हूँ कि हाउ कैन वी इंसर्ट द पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट. सो इसी एक ऑप्शन में इंसर्ट का ऑप्शन भी शो हो जाएगा. यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन शो हो रहा है. आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर आ जाएगा. अब आप दिस डिवाइस, इट्स मीन कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोडेड पिक्चर्स को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर आप पिक्चर को डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च करके उसको ऐड करना चाह रहे हैं. अभी मैं यहाँ पर दिस डिवाइस के साथ जाऊँगी. मुझे पता है कि मेरा कंसर्न पिक्चर या कंसर्न जो भी डॉक्यूमेंट है वो डेस्कटॉप पर है. आप इसको ऑल फाइल्स कर सकते हैं, आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं. मगर आपका आप यू कैन से कि मैं अगर डाउनलोड्स में जाऊं, तो डाउनलोड्स में मैं ऑल फाइल्स को, ऑल फाइल्स की जगह अगर मैं ऑल पिक्चर्स कर लूं, इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू सी दैट विच पिक्चर आई हैव टू प्लेस इन द डॉक्यूमेंट. आई जस्ट सेलेक्टेड द पिक्चर एंड रिप्लेस दैट पिक्चर विद दिस. So you can see that there is a very beautiful and a representable method of your document, and it seems some professionally. So guys, अगर मैं यहाँ पर word class की जगह लिख देती हूँ Microsoft Learning, यहाँ पर आप कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट अपना, आप अगर आप बुक के लिए कवर कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना एब्स्ट्रैक्ट राइट कर सकते हैं. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं राइट करना चाहते तो आप कोई भी अपना एक कोट यहाँ पर राइट कर सकते हैं, दैट एन एप्पल इन अ डे मेक्स द डॉक्टर अवे. तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. अब मैं वापस इसके फोन, गाइज आपने देखा होगा कि मैंने इसका फोन छोटा करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए किस तरह से इसको किया था. सो जस्ट लुक एट द राइट बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, यू कैन सी देयर इज अ प्लस एंड द नेगेटिव बटन्स दैट इज शोन. सो अगर आप लोग इसको प्लस को क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन आपके सामने इनलार्ज हो जाएगी, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी. तो आपको दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी. सो दिस इज द बेसिक कवर पेज लुक्स लाइक. अब सेकेंड पेज, अब इन दोनों पेजेस के दरमियान में अक्सर ऐसा होता है जब आप कोई और वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं तो टेक्स्ट जो है वो बहुत ही मर्ज सा हो जाता है. यू कैन से कि फर्स्ट पेज का सेकेंड पेज पे आ जाता है. इससे बचने के लिए आप जब भी अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे, आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपके पास होगा पेज ब्रेक. मैं फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर लूँगी, सिर्फ उस पर आपने कहीं भी क्लिक करना है फर्स्ट पेज पर, एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस ऑन दी पेज ब्रेक. अब ये होगा कि मेरे फर्स्ट और सेकेंड पेज के दरमियान में एक पेज ब्रेक आ गया. गाइस यहाँ पर ब्लैंक पेज आने की रीजन ये है कि फर्स्ट पेज मेरा कवर पेज था जो कि मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट से बिल्कुल अलग है. अगर इस पेज के नीचे मैंने कोई भी पेज किया है तो मैं उस पर पेज ब्रेक ऐड करके उसको उन दोनों पेज के दरमियान ब्रेक कर दूंगी कि इस वाले पेज का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहिए. सो इट वर्क्स लाइक दिस. इस पेज को जो कि ब्लैंक पेज है, इसको आप लोग डिलीट कर सकते हैं या आप इसको यूज कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपका ये फोन थोड़ा बड़ा है, आप इसको छोटा कर सकते हैं. एज आई जस्ट शोन यू अर्लियर,
अब इसको टाइम्स न्यू अभी मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि क्योंकि ये एक कवर पेज है तो इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग इसके अंदर कोई भी ही अपना फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी अपना थीम यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, अगर आपको अपने कोई डाटा चाहिए जो कि एक टेबल की फॉर्म में चाहिए तो आप सिंपली टेबल को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मोर ऑप्शन का आइकन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने रोज और कॉलम्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करनी होगी। अगर आप एक करेंगे तो एक रो एक कॉलम आ जाएगा, आगे आप अगर पांच रोज करना चाह रहे हैं विथ थ्री, अगर आप पांच कॉलम्स करना चाह रहे हैं विथ थ्री और फोर रोज तो आपके पास वो शो हो जाएंगे। अगर आप इनके अलावा इंसर्ट टेबल करना चाह रहे हैं आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हों, आपके नंबर ऑफ रोज कितने हों, आप उसकी विथ को ऑटो के अलावा कस्टम करके आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो फिटेड टू कंटेंट, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं अगर मैं इसको ओके करती हूँ यहाँ पे इंसर्ट आ जाएगा, इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं हम। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो ऑटोमेटिकली उसने इस फोन के रिलेटेड खुद को एडजस्ट कर लिया। यूजुअली आई प्रेफर यू टू यूज, यहाँ पे मैं इस टेबल को डिलीट करना चाह रही हूँ तो डिलीट के बटन पे क्लिक करके आप डिलीट टेबल कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रेफर करूँगी गाइस कि आप यहाँ पर टेबल खुद सेलेक्ट करें, लाइक आप मोर ऑप्शंस में नहीं जाएं, आप यहाँ से कॉलम और रोज लें, आप यहाँ पर हेडिंग्स लिख लें लाइक सीरियल नंबर, डेटा, डेट एंड द डे, विच एवर द ऑप्शन यू वॉन्ट टू सेलेक्ट। आप इसको करने के लिए आप यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, और जिस तरह हम लोग अभी मैं इस एरो को टेबल के ऊपर लेकर जाऊंगी तो यू कैन सी दैट द एरो इज सडनली चेंज। या जब आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा तो आप इसको लेफ्ट राइट करके अपने कॉलम या अपने टेबल अपने रो के साइज को चेंज कर सकते हैं। गाइस इसी तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताऊंगी, तो दिस इज द टाइम टू जस्ट लेट यू नो अबाउट द फॉर्मेट पेंटर। अगर मैं यहाँ पर सीरियल नंबर की जगह मैं यहाँ पर डाटा ही लिख देती हूँ और डेट और डे, अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ गाइस कि मुझे इसको मैं कॉपी करूँगी, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस टेक्स्ट, गो टू द होम बटन, क्लिक द फॉर्मेट पेंटर and I'm just scroll it to the right side. See, same, तो format painter का काम यही होता है कि आप जिस एक option को select करके या copy करके आप format करना चाह रहे हो आपका बाकी सारा document भी same आपके उस selected data या selected option के जैसा हो जाएगा format में। सो फॉर्मेट पेंटर का मतलब थोड़ा इस तरह है कि इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप अपने वर्ड को ऑलरेडी टाइप करते जाओ, आप किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पे सेम वो वाला अपना फॉन्ट या फिर अपना एक स्टैंडर्ड फॉन्ट थीम सेलेक्ट कर लो और फिर उसको कॉपी करके आप अपने पूरे पेपर पे फॉर्मेट कर दोगे तो आपका पूरा वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके उस सेलेक्टेड फॉन्ट या थीम के जैसा हो जाएगा। हम वापस इंसर्ट पे जाते हैं, तो ये तो था टेबल, इस टेबल में आप इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं अपने कॉलम्स या रोज को। अगर मैं इस रो पे क्लिक करती हूँ राइट क्लिक करूँगी तो यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप इसको इंसर्ट अबव या बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट भी कर सकते हैं। यूजली इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट इज यूज फॉर द इंसर्शन ऑफ द कॉलम, और अबव और बिलो यूज होगा उसकी रोज को इंसर्ट करने के लिए। अगर मैं इसको बिलो करती हूँ तो आप देख सकते हैं एक रो और यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ तो डिलीट ऑप्शन में डिलीट दी सेल, एक स्पेसिफिक सेल को भी आप डिलीट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, या आप उसकी इंटायर रो को डिलीट कर सकते हैं या इंटायर कॉलम को। अगर मैं कॉलम को डिलीट करती हूँ तो ये सीरियल नंबर वाला पूरा कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इस टेबल को डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं टेबल को सेलेक्ट करूँगी, डिलीट एंड द डिलीट द टेबल। तो गाइस ये तो था कि आपने टेबल को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, उसके अंदर आपने उसको लिखना कैसे है एंड ऑल दैट स्टफ। वर्ड यू नो व्हाट, कि आप वर्ड को कुछ शेप्स बनाने के लिए, अपने ग्राफ्स अपने चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दीज ऑप्शंस फ्रॉम शेप्स। यहाँ पर बहुत सी ऐसी शेप्स हैं जिनको यूज़ करके आप उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। इन शेप्स का इस्तेमाल आप डिफरेंट चीज़ों में कर सकते हैं, मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोस में इसके बारे में ज़रूर सिखाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आई विल शो यू।
मैंने क्योंकि एक रेक्टेंगुलर लिया था, रेक्टेंगुलर को करूँगी, इसको जैसे ही प्लेस करेंगे इसके मोर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि आप उसको किस तरह से रखना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसको किस तरह से लिखना चाह रहे हैं. सो या इट सीम्स लाइक दिस. आई विल शो यू. अब मैं इस शेप को डिलीट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगी. ओके, इंसर्ट में, शेप्स में. इसी तरह बहुत सी ऐसी शेप्स हैं जो आपको यूजुअली आपके फाइल्स बनाने के लिए काम आती हैं, या आपको, आप किसी दो पिक्चर्स का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, आप एरोज यूज कर सकते हैं. इनका फर्दर यूज मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में जरूर बताऊंगी. सेम इसी तरह यहाँ पर चार्ट्स का ऑप्शन है, जिसमें जिसको यूज करके आप अपने चार्ट को शो कर सकते हैं. इट्स अ ब्रीफ, या यू कैन से कि ये एक अलग टॉपिक है. मैं आपको इस पे ज़रूर वीडियो बनाकर सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने एक प्रेफरेबल अमाउंट के रिलेटेड एक ग्राफ बना सकते हैं और उसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. हेडर और फुटर को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये तो कवर पेज है. लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट पेज. अगर मैं यहाँ पर हेडर यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं हेडर पर क्लिक करूँगी. यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं हेडर यूज़ करने के. सिंपली मैं अगर फर्स्ट वाला करना चाह रही हूँ, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह से कि आप कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा गाइस कि आपको लोगो मिलते हैं कंपनीज के. लाइक अगर इफ़ आई वॉन्ट टू इंसर्ट पिक्चर देयर, तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं यहाँ पर लोगो या पिक्चर ऐड करना चाह रही हूँ, कुछ भी आप देख सकते हैं. जिस तरह मैंने सेल्फ क्रिएशन की पिक्चर को ऐड किया था, अगर मैं उसको ऐड करना चाह रही हूँ, मैं इंसर्ट करूँगी और इसके साइज़ को मैं छोटा कर लूँगी जस्ट फॉर दी हेडर, के एक वो लोगो की तरह दिखाई दे. और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला हेडर जो है, इसको मैं राइट साइड पे करूँ, तो मैं इसको होम ऑप्शन में जाकर राइट साइड पे कर दूँगी. अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ, तो मैं इसको कर सकती हूँ. इसके नीचे मैं कुछ भी हेडर में लिख सकती हूँ. लाइक अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रही हूँ, इनोवेशन, न्यू इनोवेशन और न्यू स्पिरिट, क्रिएट योर ओन पाथ, और इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ. और इस पिक्चर को सिर्फ और सिर्फ मैं राइट साइड पे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ. तो ये कुछ इस तरह से शो हो सकता है. आप अपने हेडर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. अगर आप हेडर नहीं रखना चाहते, तो आप इसको कभी भी डिलीट भी कर सकते हैं. ओके, सो इट लुक्स गुड नाउ. अब हम लोगों ने ये हेडर ऐड कर लिया. अब इसको सिलेक्ट करना है कि ये हेडर रहे. अब जो भी हेडर रखेंगे हम लोग थ्रू आउट द वर्ड डॉक्यूमेंट, हर पेज के ऊपर आपको सेम हेडर ही देखने को मिलेगा. इफ आई इंसर्ट अ पेज अगेन देयर, यू कैन सी कि नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपको सेम हेडर शो होगा. सेम इसी तरह अगर आप लोग फुटर यूज करना चाह रहे हैं, तो फुटर पे क्लिक करके, फुटर के अंदर यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं उसके पेज मेंशन करने के लिए, या फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसके नंबरिंग के लिए. सिर्फ फुटर ऐसा सच यूज़ नहीं होता. अगर आपको फुटर के थ्रू यहाँ पर पेज नंबरिंग करनी है, यू कैन सी दैट देयर इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड टू, एज आई हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट पेज, आई हैव जस्ट प्लेस्ड द हेडर ऑन द फर्स्ट पेज, तो वो वहाँ पर नीचे फर्स्ट शो कर देगा और सेकेंड पेज पर वो सेकेंड शो कर देगा. अब क्योंकि मैं हेडर नहीं रखना चाह रही, सॉरी मैं फुटर को नहीं, मैं नहीं चाह रही कि मैं फुटर ऐड करूं, मैं डायरेक्टली पेज नंबर ऐड करना चाह रही हूं, तो आप उस पेज नंबर को भी एंटर कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन्स, आप उन पेज मार्जिन्स के साथ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसकी करंट पोजीशन रख के कुछ भी पेज ऐड कर सकते हैं. मैं बॉटम ऑफ द पेज करके उसको राइट कॉर्नर पे करना चाह रही हूं. यू कैन सी कि वो फिर भी एक फुटर की हेडिंग में राइट साइड पे आ जाएगा. अगेन इंसर्ट ऑप्शन, और यहाँ पर हेडर, फुटर और पेज नंबर को आप इस तरह से अपनी वीडियो या फिर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं.
नेक्स्ट ऑप्शन गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको इक्वेशन और सिंबल यूज करने को होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, आपको सिग्मा पाई और इस तरह की चीज़ें यूज़ करने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जो आपको नॉर्मली अपने कीबोर्ड पर शो नहीं होती। तो उन सब के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंबल ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर मोर सिंबल्स, आपके पास एक एक आइकन, एक पूरा टास्क बार पॉप आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत से ऐसे, यू कैन सी द यूरो एंड द एन एम, डिफरेंट सिग्मा, और यू कैन से द डिफरेंट साइन ऑफ रिलेटेड टू ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव नीडेड फॉर आर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन, आपको वो यहाँ पर मिल जाएंगे।